मेरे प्यारे देशवासियों, 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता करेगा, इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं 1 दिसंबर यानी आज औपचारिक रूप से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र ने विशेष तैयारियां की हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्मारकों पर G20 लोगो दिखाया जाएगा। बता दें, अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। इनमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया है जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इसके पीछे पीएम मोदी का उद्देश्य है कि सभी जिलों और ब्लॉक को G20 से जोड़ा जाए और पीएम मोदी के विजन को जन भागीदारी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाया जाए। बता दें, G20 की अध्यक्षता का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।